श्री राम भैया। तो हे गाइस, कैसे हो भाई आप सब? स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग में। और अभी हम लोग आ गए हैं पटना के शीतला मंदिर घूमने। देख सकते हो पीछे में है हमारे शीतला मंदिर। और यहाँ देखो आज हमारे साथ आए हैं रवि भैया, इनका बर्थडे है भाई। हैप्पी बर्थडे विश कर देना इनको। तो चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं। लोकेशन अच्छा था तो थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। चलो नीचे से मंदिर आप लोग को विजिट करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। ब्लॉग में बने रहो आप लोग बस। तो भाई आप लोग मंदिर के पास आओगे अगर तो ये देख लो इस प्रकार कुछ इधर से दुकान है। आप लोग को अगर प्रसादी वगैरह खरीदना है इधर भाई दुकान से खरीद सकते हो। तो देख लो चारों तरफ घुमा के दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ भाई देख लो हाथ वगैरह धो रहे हैं जी। प्रसादी खरीद के अंदर आप लोग को ले चलेंगे। लाइट नहीं पड़ रहा था इसके वजह से मेरा चेहरा पूरा काला आ रहा था। चलो ये प्रसादी वगैरह खरीद लेंगे, उसके बाद अंदर ले चलते हैं आप लोग को, फिर मज़ा आएगा। घूम लो भाई मंदिर, क्योंकि बर्थडे था इनका तो बोले चलो मंदिर घूम के आते हैं। जाने वाले थे हम लोग पटना मंदिर या हनुमान मंदिर पर आ गए यहाँ। चलो अच्छा ही है। देख लो भाई यहाँ इस प्रकार से दुकान है कुछ। जय श्री राम भैया। ये देख लो भाई अभी प्रसादी ले रहे हैं। और यहाँ से कुछ एंट्री गेट, ये देख लो ऊपर लिखा हुआ है मंदिर माँ शीतला आगमकुआ में है ये। और ये है इसका एंट्री गेट यहाँ की इस प्रकार से कुछ। वहाँ से प्रवेश तो आ रहे हैं हम लोग, इंटर करेंगे वहीं से। चलो प्रसादी वगैरह तो ले लिए हैं, फिर अंदर चलते हैं। फिर भाई आ गए हम लोग यहाँ, गोड़ लग लेते हैं। चलो भाई इधर टीका वगैरह दे रहे हैं, ले लिए हैं भाई प्रसादी के। चुंदी वगैरह माला इसमें दो जगह चुनी चाहता है यहाँ पर। दो जगह चुनी चाहता है उनसे पहले इधर कहाँ चलना है हम भाई चप्पल पहन के अंदर आ गए थे। चलो और ये देख लो भाई मंदिर है यहाँ, पूरा पैर भाई लहक रहा है ये टाइल्स वाला। इधर देख लो कैसा है मंदिर से अंदर, हवन वगैरह हो रहा है शायद से है कुछ अंदर जाने वाला। यहाँ से लोग पूजा वगैरह कर सकते हो। जा रहे हैं अंदर कुछ इस प्रकार से मंदिर। यहाँ सब दूध वगैरह लोटा लेके खड़ा है। आओगे तो ये शीतला माता का मंदिर जरूर आना आप लोग, और दर्शन करना यहाँ पे भी। देखो भाई रवि भैया भी पूजा करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग आओ आगमकुआ, ये मंदिर जरूर विजिट करना, मजा आएगा। हम भी भाई थोड़ा कैमरा बंद कर लेते हैं, गोड़ उड़ लग लेते हैं, बस वीडियो बनाने लगे हुए हैं। यहाँ पे देख लो भाई धागा वगैरह बांधने के लिए है। अगर आओ आप लोग तो मंगल है ये, बांध सकते हो धागा वगैरह। और वहाँ देखो अभी रवि भैया क्या कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ हवन कुंड है, अगरबत्ती जलाएगा। हाँ जला दीजिए ऊपर में टीका लग रहा है। बनवा लीजिए
बनेगा ना, गले दिन गले सगल में कुछ पर तो धागा बना दे ना, लेते तो धागा चल ना। सर देखो भाई ये कुआं है कि यहां से दिख रहा है आप लोग को, मस्त है। इधर चारों तरफ से देख लो गुंबद टाइप से बनाया हुआ है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है, यहाँ पोता वगैरह रखा हुआ है। देखो मंदिर का पेड़ से थोड़ा छुपा हुआ है पर ठीक है, तो यहाँ धागा बना के आ गए। बल्ली भी चढ़ता है बल्ली, बल्ली वो देखो वहाँ बल्ली चढ़ता है ना। देखो यहाँ फोटो वगैरह रखा हुआ, मस्त में पूजा होगा। तो यहाँ बलि स्थान लिखा हुआ है पीछे में देख लो, यहीं खांसी वगैरह का बलि उली दिया जाता होगा। तो चलो पूजा हो गया ना, खत्म खत्म हो गया भाई, अब हम लोग रूम पे निकलेंगे ना, रूम पे निकलेंगे जाएंगे पार्टी करेंगे। देख लो यहाँ भाई बजरंग बलि है, भोलेनाथ का कुर्सी वगैरह सब। यहाँ से भाई मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये देख रहे भाई कितना पुराना घंटा और डमरू यहाँ पर रखा हुआ है। देख लो पूरा पैर जल रहा है यार, इधर टाइल्स के वजह से ना पूरा पैर जल रहा है अभी। फिर हम लोग थोड़ा जाते हैं आगे, इधर थोड़ा रिलैक्स लग रहा है अभी। यहाँ से मंदिर पूरा दिख रहा है, नहीं यहाँ नीचे देखो सामने वाला है, यहाँ से पूरा प्रॉपर आ रहा है। ये देखो अब जा रहे हैं भाई घर हम लोग यहाँ से। भाई अभी हम लोग आ गए खाने, लिट्टी ना जी, लिट्टी चाट डोसा क्या खाइएगा आप बताइए क्या खाइए। देखो सब खा रहा है ये पूरा, हम लोग भी लिट्टी मंगवाए हैं, लिट्टी खाते हैं। आप बताओ क्या खाना है।